बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। मैं भी बहुत 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 ज्यादा अच्छी हूँ और आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। ये वाला नवरात्रि फर्स्ट लुक आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, पहला लुक मैंने नवरात्रि का क्रिएट किया है, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ। थोड़ा ये वाला मेकअप लुक ना टीनेजर्स के लिए है, बिकॉज नवरात्रि में ना टीनेजर्स ऐसा ही मेकअप प्रेफर करती है, पोनीटेल एंड ज़्यादा हैवी मतलब ज्वेलरी वगैरह नहीं, ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। यहाँ पे मैंने नोज पिन एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है, यहाँ पे बिंदियाँ लगाई हैं। ओके, ओवरऑल लुक बहुत प्यारा लग रहा है मेरे ऊपर भी और आप लोग के ऊपर भी अच्छा ही लगेगा। ओके, सो जल्दी से कमेंट करो कि आप लोग को ये वाला लुक कैसा लग रहा है और पहले की तरह मुझे ना प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज, प्लीज़ प्लीज़ गाइज। मुझे 1M तो चाहिए, मुझे गोल्डन बटन चाहिए कोई भी हालत में, सो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करो। एनीवेज, लुक ना जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत इजी लुक है। आई लुक भी मैंने बहुत इजी किया है, नो फॉल्सेस, नो आईलाइनर, जस्ट मैंने एक आई शेडो से ही मतलब ब्लेंड करके मतलब स्मोकी टाइप का लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पर ना मैं बहुत अच्छी अच्छी सी ट्रांजेक्शन वाली रील्स डालती हूँ और आप लोग से मैं बात भी करती हूँ। हाँ, ये तो मत बोलना कि बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग रह जाते होंगे बट मैं काफ़ी हद तक बात करने की कोशिश करती हूँ, जिनसे करती हूँ उनको पता ही होगा। ओके गाइज, इफ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अच्छा गाइज, यहाँ पे मैं आ गई हूँ वॉइस ओवर में, क्योंकि बोलते बोलते मेकअप अच्छा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है बातें करते करते। सबसे पहले टोनर लगाया, टोनर ज़रूर लगाया करो, आपके जितने पोर्स होते हैं ना मिनिमाइज हो जाते हैं। ये ना डर्माको का मैंने सीरम लगाया है, ये विटामिन सी वाला सीरम है, सो विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा रिजल्ट मिलता है। ओके, डैप डैप करके मैं अच्छे से अपने फेस में अप्लाई करूँगी, नहीं बहुत अच्छा लास्ट में ग्लो दे देता है, मतलब ऐसा है। 2% कोजिक एसिड वाली द डर्माको ने न्यू लॉन्च की थी ये फेस क्रीम, इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब मस्त है ये, मैं इसको डेली में अप्लाई करी हूँ। ये ना थोड़ी सी न्यूट्री डर्म वाली फीलिंग देती है, न्यूट्री डर्म की भी ना इतनी मतलब अच्छी मॉइस्चराइजिंग वाली मस्त वाली है, सो ये बिल्कुल वैसी ही लगती है मुझे। सो अच्छे से अपना फेस मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी मेकअप करने से पहले। अभी ना मेरे को 2-3 पिंपल भी आ गए हैं ये वाला मेकअप करने के बाद, आई डोंट नो व्हाई, कभी कभी हो जाते हैं यार। ओके, वैसलीन लगा ली, अच्छे से लिप को मॉइस्चराइज कर लिया, पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड वाला प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर ज़रूर लगाया करो, आपके पोर्स होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं और ब्लर हो जाते हैं, तो मतलब आपका बेस भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनता है, लंबे समय तक टिका रहता है। यहाँ पे ना मैं बेस के लिए ले रही हूँ पर्पल का फाउंडेशन एंड लॉरियल का फाउंडेशन। इसको ना मैं शेक कर रही थी तो आवाज़ आ रही थी, तो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। यहाँ पे एक एक पंप दोनों लूँगी, मतलब अपने शेड के अकॉर्डिंग बना लूँगी और उसको डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। भर भर के लगाऊँगी ना तो बहुत केकी सा लुक लगेगा, इसलिए अगर आपको और लगाने का मन हो तो आप और ले सकते हो बाद में, लेकिन पहले भर भर के मत लगाओ, ठीक है। सो आज ना मैं इसको हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखना। पहले मैं इसको ना ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही थी, ठीक है। साइड में मेरे पास स्विस ब्यूटी वाला भी ब्रश था, बट आई वॉज लाइक नहीं मैं मुझे इसी से करना है। अच्छे से मैंने कर लिया, कवरेज देखो, ठीक है। और जब मैंने ब्लेंड किया ना ब्यूटी ब्लेंडर से, आधी कवरेज गायब हो गई। अब यू कैन सी टोटल डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, देखो लाइन दिख रही होगी बीच में कि उधर बिल्कुल अच्छा लग रहा है, यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा क्या, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गया ऐसा, पर मेरे को ना ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए ही होता है। फिर वो जो लॉरियल वाला था ना, लॉरियल वाला उसको मैंने अपनी अंडर आई में, माउथ एरिया में, मतलब जहाँ जहाँ पे लगाते हैं ना वहाँ वहाँ पे मैंने लगा लिया और बेकिंग पाउडर से सेट कर लिया अच्छे से, ठीक है। ये लगाने के बाद ना इसको टिके रहने देना, मतलब ये जो पाउडर लगा रहे हैं ना इसको तुरंत हटाओगे ना तो नहीं अच्छा लगेगा, इसको आप टिके रहने दो। सो गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना, मम्मी ने गाने तेज चला के रखे हैं रेडियो में, कारवा मिनी में। ओके, स्विस ब्यूटी की मैंने 4-in-1 आईब्रो पैलेट ली, इसमें से मैं अपनी आईब्रोज अच्छे से फिल करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क डार्क नहीं फिल करनी हमको,
ठीक है। और आजकल ना मैं क्लीन अप नहीं कर रही हूँ, मतलब होता है ना कि क्लीन करती हूँ, एडजस्ट क्लीन करती हूँ, वो आजकल नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है। ठीक है, फिर आईब्रो जब तक फिल की, उसको पाउडर को जितना खाना था मतलब उस तक खा लिया, मतलब बिल्कुल सेट करना था हो गया। अब उसको मैं अच्छे हल्के हल्के हाथों से पूरा फेस से निकाल दूंगी। ठीक है, अब यू कैन सी मेरी अंडर आई एरिया कितने अच्छे से सेट हो गई है। ये है स्विस ब्यूटी की न्यूड वाली पैलेट, ये ना बहुत पहले मैंने ली थी, मतलब एक साल हो चुके जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब। इसको ना मैं जस्ट अपनी क्रीज लाइन में मिनीसो वाले ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है, फिर मैं ले रही हूँ, उसी में एक हाइलाइटर वाला शेड था, उसको लिया और जस्ट मैंने अपने लिड्स में लगा लिया एंड दैट्स इट। इतना सिंपल लुक था, मतलब ये वाला बहुत सिंपल लुक था। ठीक है, अच्छे से लगा लिया और या मतलब मुझे थोड़ा ऐसा था कि भाई थोड़ा सा कट क्रीज जैसा करूँ, तो मैंने थोड़ा और ऊपर तक लगाया। और फिर ना और डार्क शेड लेके उसको मैंने आईलाइनर की जगह पे स्मच कर रही हूँ मैं, अच्छे से स्मच कर। अच्छा, यहाँ पे ना कोई आ गया था कर्ल वर्ल कराने, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया ना यार, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मुझे मतलब लेट हो गया था बहुत। फिर मैंने पर्पल का ये आईलाइनर था, ये काजल वाला आईलाइनर था ना, पेंसिल वाला, तो इसको मैं ना आईलाइनर तो लगाती नहीं हूँ, पर इससे मैं काजल ज़रूर लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा मस्त स्मूथ वाला चलता है। मैंने नोटिस किया जब भी मेरे आंखों में पानी आता है ना, तो काजल चलना बंद हो जाता है, बट ये वाला तो चलता ही है यार, इतना सही है ना, मतलब। सो अपर एंड लोअर दोनों वाटर लाइन में लगा लूँगी और ब्लैक कलर लेके इसी पैलेट में से नीचे थोड़ा सा स्मच कर लूँगी ब्लैक कलर लेके, ताकि थोड़ा सा स्मोकी टाइप का लुक लगे बिल्कुल, मतलब मस्त वाला, हाँ अच्छा वाला। अच्छा, यू कैन सी कुछ ऐसा मुझे चाहिए था, और उसको ना मैं एक ब्रश की हेल्प से, फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा स्मोकी लुक हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे करना, ज़्यादा फैलाना नहीं है, क्योंकि ब्लैक कलर है ना, तो बहुत ज़्यादा फॉल आउट वगैरह होता है। अरे मेरे को ऐसा, मैं मम्मी को आवाज़ दे रही थी। यहाँ पे ना मैं आईलाइनर से सिर्फ मैं आगे, वो नहीं होता लाइन एक ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसे आप समझ ही गए होगे मेरे रिएक्शन से, या बस वो करके। और यहाँ पे मैं NYB का मस्कारा लगा रही हूँ अच्छे से, और यहाँ सामने ना लड़की आई थी तैयार होने, तो मैं उनको थोड़ा सा बोलती जा रही थी कि हाँ भाई तुम ऐसे करो ऐसे करो। मैंने बोला आप लोग खुद कर लो, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था यार वीडियो बनाते बनाते। और अच्छे से मैं अपनी लैशेस में लगा लूँगी, कोई भी मैं फॉल्सेस नहीं अप्लाई करूँगी। शुगर का मैंने ले लिया ब्रॉन्जर, और उससे मैं पूरा अपना फेस ना ब्रॉन्ज करूँगी, मतलब कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर ना मतलब मेन जगह होती है ना, चीक बोन्स, नोज एरिया, फोरहेड, जॉ लाइन, तो ना कॉन्टोर जब कर लेते हो ना, तो आपका फेस ना डायमेंशन, मतलब आपके फेस को डायमेंशन मिल जाती है, कट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लफी, मतलब फूला फूला सा नहीं लगता है, मोटा मोटा सा नहीं लगता है, एंड ना बहुत ज़्यादा वाइट वाइट भी नहीं लगता, बैलेंस हो जाता है वो फेस। के प्ले का ये ब्लश था, उससे मैंने अच्छे से ब्रश लगाया, और एक छोटे से ब्रश से वापस मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क करना था मुझे। और फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये कौन सा वो था, मुझे याद नहीं आ रहा है ये कौन सी कंपनी का हाइलाइटर है, बिकॉज इसके ऊपर का हट चुका है। ओके, आप लोग मुझे कमेंट करो कि ये कौन सी कंपनी का है, मुझे बिल्कुल बिल्कुल मतलब है दिमाग में, बट बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अच्छे से मैं अपने नेक वगैरह में भी लगा रही हूँ, ये भी हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है, गोल्डन शेड का हाइलाइटर है, मुझे मन था मैं गोल्डन कलर लगाऊँ। फेसिस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे है, अच्छे से मैं सेटिंग स्प्रे से सेट कर लूँगी, ज़रूर लगाया करो, आपका जो सेट हो जाता है बिल्कुल फेस। मामा अर्थ की लिक्विड लिपस्टिक लगाऊँगी, इसका शेड बहुत सही था यार, बिल्कुल ब्राउनिश टाइप का, और वो होता है ना ये बिंदी लगाते हैं साइड साइड में, मैंने वो लगाई, तीन तीन बिंदी एंड या, और मैं बातें भी करती जा रही थी, बिंदी लगा ली अच्छे से एंड या। ओके, यहाँ पे ना मैं अपने बालों को थोड़ा सा कोशिश कर रही थी करने की, एट द एंड मैंने सोचा कि रोज़ मैं बाल खोलती हूँ, आज ना मैं पोनी कर लेती हूँ, तो मैंने पोनी कर ली एंड जुगाड़ वाला मांग टिक्का बनाया था, देखना जुगाड़ वाला मांग टिक्का, इयररिंग को निकाल करके एंड बस वही वही उसी में से मैंने अपने मांग टिक्का वाले में से वो लग ये है ना मोतियाँ मोतियाँ निकाल करके, और यहाँ पे मैंने जुगाड़ बना लिया। ओके, इयररिंग मेरा था पहनने का, बट मैं निकाल के भी रखी, बट मैंने पहना नहीं। और यहाँ पे मैंने अपना ब्रेसलेट पहन लिया, मतलब कड़ा होता है वो पहन लिया, एंड दैट्स इट, दिस इज़ माय फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मैं अपनी अंगूठी पहन रही हूँ एंड दैट्स इट, बाय।
गाइज यहाँ पे मेरा लुक पूरा कंप्लीट हो गया है, ये वाली नोज पिन मैंने डाल दी है एंड ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, टीनेजर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है एंड मतलब सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, न्यूट काइंड ऑफ मेकअप कह सकते हो आप इसको। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक, काफ़ी अच्छा क्रिएट हुआ है, टर्न आउट हुआ है, आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और आप लोग वेट करना, मैं बहुत अच्छा एक नवरात्रि का लुक लेके आने वाली, बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप्स, तो आप वेट करना मेरे उस लुक के लिए। ओके, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।